देखो ताली बजनी चाहिए, जोर से ताली बजाओ। आज के चुनाव में हमारे बीच में उपस्थित हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री और हमारे देश के लाडले नेता मैं राहुल गांधी जी को उस बेणेश्वर की धाम के ऊपर महात्मा मावजी महाराज की पुण्य स्थली के ऊपर इस क्षेत्र की जनता और मैं अपनी ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। यहां उपस्थित आदरणीय हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, हमारे डिप्टी सीएम नौजवान आदरणीय पायलट साहब, दोनों उम्मीदवार मैडम गिरजा जी और तमाम हमारे विधायक साथी, पूर्व विधायक साथी, कांग्रेस पार्टी के नेतागण और वागड़ और मेवाड़ से आए तमाम मेरे किसान भाइयों और यहाँ उपस्थित तमाम माओ भक्तों, मीडिया के साथियों, सभी दोस्तों और मित्रों, मैं आज के दिन राहुल गांधी जी को 4 अप्रैल 2008 जहां पर इंदिरा जी सोनिया जी के यहाँ पर पदार्पण हुआ था और उसी के कारण से राजस्थान में सरकार बनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब बने हैं। दोबारा उन्हीं गांधी परिवार के सुपूत और हमारे देश के भाग्य विधाता आदरणीय राहुल गांधी जी आज हमारे बीच में आए हैं और माओ भक्त इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आया है। आपकी उपस्थिति इस बात को बताती है कि 2019 के अंदर देश के सिंहासन के ऊपर राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर ज्यादा बात नहीं कहूंगा, यहां पर देश के प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा था, लोकसभा का चुनाव हो रहा था और मोदी साहब आए थे और उन्होंने कहा कि दिल्ली माता डंको बाजियो महाराज। मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं कि मोदी साहब आपको तो किसी ने भजन सुनाया होगा, सिखाया होगा, लेकिन हम तो मावजी महाराज के भगत हैं और हम तो खुद भजन करते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं कि जांबू खंड जूम लो जा जो है महाराज, हेवी वाए काया भी है महाराज, राहुल गांधी मेरे पधार्या महाराज, हेवी वाए काया भी है महाराज। तो बाजू आना देश में सत्य और अहिंसा और सही और गलत की लड़ाई है, हमको इस बार सच्चाई का साथ देना है, राहुल गांधी जी का साथ देना है और देश की सिंहासन के ऊपर राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना है। और राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो नरेगा जैसी योजना आएगी, न्याय जैसी योजना आएगी और किसान का, आदिवासियों का, मजदूरों का, सबका कल्याण होगा। एक बार फिर मैं राहुल गांधी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मेरी बात को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज।